दोस्तों, हम सभी चाहते हैं हमारा चेहरा बेदाग हो, हमारे चेहरे में किसी भी तरह के झाइयाँ, पिगमेंटेशन या मेलाज़मा, ये सारी चीज़ें हमारे चेहरे पर नहीं होना चाहिए। परंतु ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, मेलाज़मा, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, ये एक उम्र में या किसी न किसी कारण से हो ही जाती हैं। तो सबसे पहले हम कारण जानते हैं मेलाज़मा का कारण क्या है। बहुत ज़्यादा धूप में घूमने के कारण, सनलाइट के कारण होता है मेलाज़मा। दूसरा कारण जो मैं समझती हूँ, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। जब हमारे शरीर में मेलानिन का उत्पादन बढ़ जाता है, मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो मेलानिन बढ़कर एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है और पिगमेंटेशन की शुरुआत होने लगती है। जब भी धूप में जाएं, चेहरे को थोड़ा सा कवर करें कॉटन के कपड़े से। इसके अलावा बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी में हो जाता है, बहुत से लोगों को डिलीवरी के बाद हो जाता है, और ज़्यादातर दोस्तों कई लोगों को PCOD, थायराइड या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण, नींद पूरी ना होने के कारण भी मेलाज़मा, झाइयाँ चेहरे पर होने लगती हैं, जो कि हमारी खूबसूरती को बिगाड़ देती। बहुत बढ़िया घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसके कुछ दिनों के इस्तेमाल से आप आसानी से झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है लाल पका हुआ टमाटर। टमाटर जो होता है वो हमारी त्वचा के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन सी से भरपूर होता है टमाटर। और दूसरी चीज़ जो कि हमारे मेलाज़मा को क्योर करेगा, वो है आलू का रस, पोटैटो। कच्चा आलू लिया है, आलू को धोकर छील कर एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, बाकी का आलू आप लोग सब्जी बनाने में काम में ले लें, क्योंकि आलू को काटने के बाद आलू ख़राब हो जाता है। या फिर आप लोग बिल्कुल छोटे साइज़ के पोटैटो का इस्तेमाल करें। आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है और फिर आपको निकालना है आलू का रस, जो कि बहुत पावरफुल है मेलाज़मा को क्योर करने। आलू के अंदर का जो स्टार्च होता है वो एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। अगली चीज़ जो कि यहाँ पर ले रही हूँ वो है कुकुम्बर खीरा। ज़्यादातर हम सभी के घर पर होता है। आलू, टमाटर और कुकुम्बर तीनों चीज़ें होती, बहुत सस्ती, बहुत किफ़ायती रेमेडी है। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। कुकुम्बर क्या करता है दोस्तों, विटामिन मिनरल से भरपूर होता है, हमारे स्किन को पोषण देता है, हमारे चेहरे के मुहासे, एक्ने या फोड़े फुंसी के दाग धब्बों को दूर करता है। डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम हो या डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो, आँखों के और चारों ओर काले घेरे हैं, तो काले घेरे पर भी आप टमाटर का रस या फिर आलू का रस या फिर खीरे का रस लगाएं, आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल की या पफीनेस की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर होगी। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, लंबे समय तक जमा दिखेंगे। खूबसूरत चेहरा हम सबको पसंद होता है, हम सभी चाहते हैं हमारा चेहरा चमकता दमकता दिखे। परंतु ये जो मेलाज़मा है ना, पिगमेंटेशन, ये कई बार हमारे चेहरे को ख़राब कर देता है दोस्तों। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है दोस्तों, परंतु सुंदरता की दृष्टि से ख़राब लगता है। तीनों चीज़ों को कद्दूकस कर लिया है। यदि रस ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि खींचते खींचते थोड़ा ज़्यादा बन ही जाता है, आपको परेशान नहीं होना है। इस जूस को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में, फ्रीज में स्टोर करें, 2-3 दिन, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मेरा, मैं भी देख रही हूँ ये जूस बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच जूस का इस्तेमाल करने के बाद बाकी जूस जो बचेगा उसे एक बॉटल में डालकर फ्रीज में रखूँगी। 1 सप्ताह लगातार लगाना है। यदि झाइयाँ बहुत ज़्यादा सालों पुरानी हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा काले काले धब्बे हैं, तो हो सकता है इस रेमेडी को आपको 15 दिन तक के लगाना पड़े, नहीं तो कम होंगी तो जल्दी ठीक होगा। कुछ नींबू के रस की बूंदें डाली, लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। झाइयों को हटाने के लिए एक रामबाण नुस्खा है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है नींबू का रस। साथ ही साथ हमारा ये जूस 2 दिन तक ख़राब नहीं होगा, इसलिए भी मैंने प्रिजर्वेटिव के तरीके से भी लेमन जूस को इसमें ऐड किया है। आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है तो आप यहाँ लेमन जूस को स्किप कर सकते हैं, बाकी तीनों जूस आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर अगली चीज़, राइस फ्लोर, चावल का आटा नहीं है, 1 कटोरी चावल को ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके बढ़िया अच्छा फाइन पाउडर बना लें, छान लें, छानने के बाद ही राइस फ्लोर का इस्तेमाल करें। अगली चीज़ जो कि यहाँ पर लूँगी, मुलैठी, जिसे हम लोग फ्लेयर अर्थ भी कहते हैं। मुलैठी की लकड़ी भी मिलती है, आप चाहें तो इस लकड़ी को कूट कर इसका पाउडर बना सकते हैं। नहीं टाइम है, आप मुलैठी का पाउडर भी मार्केट से ले सकते हैं। दोस्तों, जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, ये इतनी बढ़िया है, मेरे कहने से आप इसे ज़रूर लगाएं। जिन्हें मेलाज़मा है वो भी लगाएं, जिनके चेहरे पर मुहासे के काले काले दाग धब्बे हैं या किसी तरह का चेहरे पर निशान है, उस निशान को दूर करने के लिए भी इस पैक को लगाएं। अगली चीज़ जो कि लूँगी, चंदन का पाउडर, सैंडलवुड पाउडर, कमाल का रिजल्ट देता है दोस्तों। एक तो इसकी खुशबू
हमारे मस्तिष्क को शांति देती है, हम फ्रेश फील करते हैं, हमारे स्किन में ताजगी आती है सैंडलवुड पाउडर का पैक लगाने से। नहीं है तो आप इसकी जगह मसूर दाल का आटा भी ले सकते हैं। मसूर दाल जो लाल वाली हमारी दाल आती है ना दोस्तों, इसे आप ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पर मसूर दाल को ग्राइंड करके इसका बढ़िया अच्छा पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को छान लें आप ताकि बड़े बड़े दाने ना रहें। और ये जो जूस बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, इस जूस को मैंने एक शीशी में डाल लिया है ये देखें, और उसी में से 3 बड़े चम्मच मैंने आलू का रस, टमाटर का रस और खीरे का रस जो तैयार किया, जिसमें कुछ बूंदे नींबू रस डाली है, उसे एक कटोरी में निकाली है। बाकी की इस बॉटल को मैं तुरंत ही फ्रीज में रखूंगी ताकि नेक्स्ट डे भी काम आए। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा राइस फ्लोर डाला है। चावल का आटा जो होता है हमारे चेहरे पर एक स्क्रब की तरह काम करता है। चावल के बारीक बारीक से जो कण होते हैं ना दोस्तों, ये हमारी त्वचा से सारे डेड सेल को रिमूव करते हैं, साथ ही साथ टैनिंग को दूर करता है, कालेपन की जिद्दी परत को तेजी से हटाने का काम करता है चावल का आटा राइस फ्लोर। और सबके घर होता है, नहीं तो पीस कर पाउडर बना ले, कमाल का रिजल्ट देता है। चावल के आटे में एक ब्यूटी विटामिन होता है, राइस में दोस्तों वो होता है विटामिन बी, जो कि हमारे स्किन में बहुत अच्छा इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को टाइट करता है राइस फ्लोर। इतना बढ़िया होता है, लंबे समय तक आप जवां दिखेंगे अगर राइस फ्लोर का पैक अपने चेहरे पर लगाते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करेगी ये रेमेडी। राइस फ्लोर ज़्यादातर सभी तरह के स्किन वालों को सूट करता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, चाहे ड्राई हो, चाहे सेंसिटिव हो। तो इस पैक को 15 मिनट लगाकर रखना है। आप इसे कुछ दिन तक लगातार यूज़ करें यदि झाइयाँ बहुत पुरानी हैं। यदि अभी अभी झाइयाँ शुरू हुई हैं तो सप्ताह में 3 बार इस पैक को लगाना है। आप खुद देख सकते हैं मेनोपॉज के बाद मुझे भी झाइयों की परेशानी हो गई, होठों के ऊपर, नाक पर, गाल में हो ही जाती दोस्तों। बहुत ज़्यादा गहरे रंग की थी ये झाइयाँ जो कि बहुत ज़्यादा लाइट कलर की हो गई हैं। मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपना ही पर्सनल अनुभव शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत से डॉक्टरों को आपने भी शायद दिखाया होगा, बहुत सी ट्यूब्स लगाई होगी, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, परंतु इस रेमेडी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखें, मसाज करते हुए लगाना है आपको ताकि ऊपर की जो डेड सेल हैं, मृत कोशिकाएं हैं, वो अलग हो सकें और चेहरे पर निखार आ सके। हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन होता है। हाइपर पिगमेंटेशन में हमारे चेहरे पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, ब्राउन ब्राउन, और हाइपो पिगमेंटेशन में हमारे स्किन में सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं। आईब्रो के ऊपर भी हो जाता है मेलाज्मा, मैंने पूरे चेहरे पर ही आपको लगाकर दिखा दिया है दोस्तों, पूरे चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें, आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो झाइयों को दूर करने की ये रेमेडी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब।